सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सौरभ जोशी की मंथली इनकम कितनी है। तो सौरभ जोशी को तो आप जानते होंगे, जिसका कि एक चैनल है जिसका नाम है सौरभ जोशी ब्लॉग। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि जो सौरभ जोशी ब्लॉग चैनल है उससे सौरभ जोशी कितना कमाते हैं महीने का। ठीक है, लोग तो कहने का कुछ भी बोलते हैं, कोई बोलते हैं 50 लाख कमा रहे हैं, कोई बोलते हैं 1 करोड़ कमा रहे हैं, कोई बोलते हैं 2 करोड़ कमा रहे हैं, अब भगवान ही जाने कितना कमा रहे हैं। तो भाई आज इस वीडियो में जो कि हम उसी का कैलकुलेशन करने वाले हैं और एग्जैक्ट जानने वाले हैं कि वो कितना कमाते हैं। और जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो जो कि है उनका मिनिमम है और वो उससे ज़्यादा हो सकते कमा रहे होंगे पर उससे कम तो नहीं कमा रहे। ठीक है, वो मिनिमम है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं और जानते हैं कि सौरभ जोशी जो कि है एक्चुअल में कितना कमा रहे हैं यूट्यूब से। भाई जैसे कि आपको पता होगा, कोई भी एक व्लॉग चैनल रहता है, जैसे कि सौरभ जोशी का व्लॉगिंग चैनल है तो उस टाइप का कोई चैनल रहता है, तो उसका एवरेज आरपीएम जो अभी के टाइम पे यूट्यूब प्रोवाइड करता है वो रहता है $0.30 से लेके $0.40 के बीच में, वो मिनिमम रहता है। ठीक है, और हो सके तो उससे ज़्यादा ही जो कि यूट्यूब कितने लोगों को प्रोवाइड करता है आरपीएम। और आरपीएम क्या होता है, आरपीएम होता है 1000 व्यूज़ का यूट्यूब कितना पैसा दे रहा है उसी को बोला जाता है आरपीएम। तो आरपीएम बेसिकली जो है कोई भी व्लॉग चैनल का रहता है $0.30 से लेके $0.40 के बीच में, और हो सकता है अभी सौरभ जोशी का जो कि है आरपीएम इससे भी ज़्यादा हो, पर इससे कम नहीं होगा, 0.30 से नीचे नहीं होगा, 0.30 से ऊपर ही होगा। वैसे उनका चैनल भी पुराना हो चुका है और इतना ग्रोथ हो रहा है चैनल का, तो आरपीएम यूट्यूब अच्छा ही दे रहा होगा। ठीक है, फिर भी हम 0.30 और 0.40 के बीच का एवरेज पकड़ेंगे जो कि है 0.35। तो हम 0.35 का एवरेज पकड़ के कैलकुलेट करेंगे, तो हम मान लेते हैं 0.35 का जो कि है आरपीएम दे रहा है यूट्यूब। ठीक है, सौरभ जोशी को तो $0.35 का अगर एवरेज दे रहा है, तो डिवाइडेड बाय अगर हम इसको 1000 कर देंगे तो पर व्यू का हमको जो कि है, हमको नहीं सॉरी सौरभ जोशी को, तो पर व्यू का सौरभ जोशी को मिल रहा है 0.00035। ठीक है, 0.00035, तो ये इतना जो कि है सेंट मिल रहा है हर एक व्यू का सौरभ जोशी को। अब अगर हम इस ये सौरभ जोशी चैनल के व्यूज़ की बात करें, तो व्यूज़ के लिए मैं डेटा उठा रहा हूँ इधर से, ये जो कि आप जानते हैं वो सोशल ब्लेड जो कि है एक वेबसाइट है। वैसे आप कह रहे होंगे कि इधर अर्निंग जैसे शोर है, पर ये अर्निंग में कभी विश्वास मत करना। ये जो कि सोशल ब्लेड का जो अर्निंग्स होता है कोई भी चैनल का एकदम सही नहीं दिखाता, पूरा पूरी ही गलत दिखाता है। ठीक है, तो इधर से जो कि है मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट 30 डेज का व्यूज़ उठा रहा हूँ। तो इनका जो सौरभ जोशी चैनल का जो व्यू है लास्ट 30 डेज का वो है 311.358 मिलियन। ठीक है, तो 0.358 मिलियन को हम हटा ही देते हैं, तो 311 मिलियन ही चलिए मैं पकड़ लेता हूँ। ठीक है, तो 311 मिलियन को अगर हम देखें अपने हिसाब से तो कितना होता है, 31 करोड़ एंड 10 लाख। ठीक है, इतना व्यू जो कि है उनको लास्ट 30 डेज के अंदर में मिला है। तो 0.00035 जो हमारा सेंट्स था उसको हम इंटू करेंगे व्यूज़ से। व्यूज़ जो हमारा है वो लिख लेते हैं इधर में हम, व्यूज़ है 311 मिलियन को मैं लिख लेता हूँ 311 मिलियन, 1 10 100 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000
इंटू 311 मिलियन जो व्यूज़ था उसको इंटू कर दिया तो ये निकल के आ रहा है 108,850 डॉलर्स। ठीक है, ये मैं डॉलर्स में कैलकुलेट किया, तो डॉलर्स में हमको निकल के आ रहा है, अगर 108,850 डॉलर को INR में मैं कैलकुलेट करता हूँ इंटू 75 का रेट पकड़ लेता, अभी तो ज़्यादा ही चल रहा है वैसे डॉलर बहुत हाइक पे, तो मतलब अच्छा ही खासा रेट मिल रहा है डॉलर का, फिर भी मैं 75 पे पकड़ लेता हूँ, तो ये निकल के आ रहा है 81,63,750 रुपीज़। तो आप समझ ही सकते हो 81 लाख का अमाउंट दिखा रहा है। तो ये जो कि है ना सौरभ जोशी मिनिमम कमा रहे हैं, और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो ये 1 करोड़ भी क्रॉस कर रहे हैं महीने का, पर ये मिनिमम जो कि है 81 लाख रुपीज़ कमा रहे हैं। तो आप सोच ही सकते हो एक नॉर्मल सा बंदा जो एक टाइम पे यूट्यूब पे आया था, आप स्टार्टिंग वाली वीडियो देखना सौरभ जोशी ब्लॉग्स की, कैसा मतलब कि लगता था, एक नॉर्मल सा बंदा लगता था, और अभी जो कि है वही बंदा इतना ज़्यादा पैसा कमा रहा है कि आप सोच ही नहीं सकते हो, इतना पैसा कमा रहा है कि एक सेलिब्रिटी की लाइफस्टाइल जो कि है ये बहुत ही आसानी से जी सकते हैं। इनके पास अगर हम अभी बात करें तो इसके पास कार वगैरह भी बहुत सारी है, बहुत कुछ कर रहे हैं भाई लाइफ में, बहुत ही कुछ अचीव कर रहे हैं, तो इनसे हम लोग को सीखना चाहिए और मोटिवेट होना चाहिए ताकि हम लोग भी जो कि है एक टाइम ऐसा है कि हम लोग इतना तो नहीं पर कुछ ऐसा ही अच्छा कमा पाए यूट्यूब से। तो आई होप आपके लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन रहा होगा और आपको भी काम करने में यूट्यूब में एक मतलब कि अच्छा वो मिलेगा, अंदर से जज्बा आएगा काम करने का, मोटिवेशन मिलेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।